पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। ईफर्ट के रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। ईफर्ट का रिजल्ट जब आया तो वो मार्केट अभी उस टाइम पे ओपन नहीं हुई थी, प्री ओपनिंग में आ गया था जो मैं रात वाले दिन, और वो रिजल्ट अच्छा इतना नहीं आया था। हमने तो पहले बताया हुआ था, हमने क्या बताया ना, असल में तो ब्रोकर ने, एक दो ब्रोकर ने रिपोर्ट शेयर की थी, उनके मुताबिक इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना था और फिर अच्छा नहीं आया। तो क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे ब्रोकर्स की जो है वो उनकी ग्रिप ज़्यादा है, उनके काफ़ी जो असेसमेंट्स हैं वो नज़दीक होते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के। तो इसका जब रिजल्ट आया तो एकदम इसको ये 160 पे, हमें लगता है ये 170 पे एक दिन पहले ट्रेड हो रहा था और 160 पे गया और वहां से इसमें काफ़ी बाइंग आई और फिर वापस अपने 170 के आसपास आ गया। तो अब इसका रिजल्ट ज़रा देखते हैं कि एक तो इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया और फर्स्ट क्वार्टर में 8 रुपये का दिया था, 11 रुपये का 6 महीने में हो तो गया है, लेकिन अब अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, ये नहीं देखने, ये दूसरे जो सादा रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा जी, ये है जी 4.56 का EPS है और 6 महीने में 8.88 रुपये का EPS है। ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आई, मतलब अब तो समझ गए हैं, देखते साथ ही समझ नहीं आई, क्योंकि Q1 में इनका तकरीबन 7 या 8 रुपये का EPS आया था और अब अगर 4.5 रुपये का है तो वो तो ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये क्या चक्कर है। यहाँ पे देखें उन्होंने ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, अच्छा ये आप बस ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि इनकी कोई कॉस्ट इनकर हुई थी और वो कॉस्ट जो है इन्होंने उसको ना, यानी कि 1 लाख की कॉस्ट थी तो इन्होंने सोचा कि हम इसको ना 25,000 Q1 में डालते हैं, 25,000 Q2 में डालते हैं, 25,000 Q3 में डालेंगे और 25,000 Q4 में डालेंगे, और ये कुछ इम्पोर्ट यूरिया हुआ था उससे एसोसिएटेड कोई कॉस्ट थी, तो इन्होंने इस तरीके से किया था कि ताकि हमारा जो है ना हर क्वार्टर में उसका बराबर बराबर इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन इनकी मैनेजमेंट ने कुछ रीअसेसमेंट की और खाली रीअसेसमेंट इन्होंने नहीं की, असल में जो FFC के बारे में हमने सुना था कि उन्होंने ये सारी की सारी कॉस्ट, ये लाख रुपए की जैसे मिसाल के तौर पे कॉस्ट थी, वो Q1 में ही डाल दी थी, तो इन्होंने ये ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज किया, यानी कि उन्होंने वो सारी कॉस्ट जो उन्होंने Q2, Q3 और Q4 में डालनी थी वो उन्होंने सारी की सारी फिर Q1 में डाल दी, और उसकी वजह से Q1 में, मतलब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज कर दिया, और उसकी वजह से जो Q1 में इनका प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर 8 रुपये से ऊपर नज़र आ रही थी वो अब 4 रुपये हो गई। देखे ना, हाँ 4.56 रुपये इस क्वार्टर में है और 4.30 रुपये तकरीबन पहले क्वार्टर में हो गई। अब यहां से देखें, अब ये जो इस क्वार्टर में आया 4.5 रुपये, इसकी तो वजह ये है कि इनका प्लांट कुछ अर्से बंद रहा था तो इनकी सेल्स उतनी नहीं हुई, प्रोडक्शन भी कम हुई। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेंड में अब चलते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तो अब इसके ट्रेंड में अगर देखें तो इसके Q1 की जो फिगर्स आ रही हैं, ये Q1 के रिजल्ट्स अगर आप खोलेंगे तो वहां से मैच नहीं कर रही होंगी, क्योंकि हमने इसको रिसेंट रिजल्ट्स में जो टोटल हाफ ईयर का आ रहा है उसमें से Q2 निकाला है और ये निकाल के रीस्टेट करके यहाँ पे लिखा है। तो अगर सेल्स देखें तो देखें Q1 में सेल्स ज़्यादा थी लेकिन Q2 में काफ़ी कम हो गई, वही प्रोडक्शन कम होने की वजह से। इसका मतलब ये है हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले क्वार्टर में सेल्स बहाल हो जाएंगी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को अगर देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है इनका कम हुआ, वो उसकी वही वजह होगी कि वो कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी और Q2 में भी काफ़ी कम हुआ,
और अगर हम Q1 को नेट प्रॉफिट देखें और वो मतलब ठीक है। अब हमने देखना क्या है, बेसिकली हमने इसका देखें, ये एक हिसाब से तो Q1 Q2 के रिजल्ट तो अच्छे नहीं है, 9 रुपये का EPS है और उसमें से 11 रुपये डिविडेंड दे चुके हैं, यानी कि फालतू दे चुके हैं। अगर सिर्फ इसको देखें तो अगले 6 महीनों में 9 रुपये का और EPS होगा और 7 रुपये का डिविडेंड देंगे, क्योंकि 2 रुपये फालतू तो पहले ही दे चुके हैं, तो उस हिसाब से तो अच्छा नहीं है इसका इस रेट पे। लेकिन हमें इसकी असेसमेंट बेसिकली करनी ये चाहिए कि हमें Q1 को भी इग्नोर कर देना चाहिए और Q2 को भी इग्नोर कर देना चाहिए। अगले 4 क्वार्टर की असेसमेंट हमें इस बेस पे करनी चाहिए कि इनके रिजल्ट्स होंगे Q3 एंड Q4 जैसे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मतलब आपको पता है कि यूरिया की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं साथ साथ, तो वो और FFC ने तो अन्नी फेर दी है, तो इनसे भी हमें बेहतरी की ही तवक्को है। तो फॉर द टाइम बींग हम ये अज्यूम करते हैं कि अगले 4 क्वार्टर्स में इनकी EPS तकरीबन 24 रुपये तक हो सकती है और डिविडेंड भी 24 रुपये का होगा। तो इनकी जो अगले 4 क्वार्टर्स में EPS है वो 24 रुपये तक हो सकती है और डिविडेंड भी तकरीबन 24 रुपये होगा। तो अभी का जो तकरीबन 170 का रेट है उसमें देखें, 24 डिवाइडेड बाय 170, तो ये तकरीबन डिविडेंड यील्ड इसकी 14% बन रही है। थोड़ी सी ये हमारी लाइकिंग के मुताबिक थोड़ी कम हो गई है, और हमने आपको जिक्र भी किया था फॉर द टाइम बिंग हमने अपनी होल्डिंग इसमें से शिफ्ट करके FFC में कर ली है और ऑलरेडी हम उसमें रीजनेबल प्रॉफिट हो भी चुका है, और कुछ बाकी हमारा लॉन्ग टर्म का भी है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा हमने बुक भी करते जा रहे हैं। देखिए फॉर द टाइम बिंग हमारा फोकस FFC पे ज़्यादा है, लेकिन इस पे हम कुछ दिनों तक जो है सोचेंगे कि इसमें हमने वापस बायबैक करें और कितना करें। 160 पे जाके इसको काफी सपोर्ट मिली, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 160 तक फिर जाए, टेक्निकल लोगों की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। और 160 पे अगर ये चला गया तो हम इसमें फिर कुछ बाइंग करेंगे, लेकिन अगर ये 160 पे नहीं जाता और ये ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर भी जब ये 173 को क्रॉस करेगा हम उस वक्त इसमें थोड़ी सी बाइंग कर लेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारा अगले अगले क्वार्टर के रिजल्ट जब तक अनाउंस नहीं होते तब तक के लिए हमारा फोकस इसकी बजाय ज़्यादा FFC पे होगा, क्योंकि एक तो रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आए हैं, फिर दूसरा जो उसका और FFBL का जो मर्जर का चक्कर है उसकी वजह से भी कुछ उसमें हलचल थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो ऊपर को भी हो सकती है नीचे को भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह के उसके रिजल्ट्स आए हैं वो नीचे जितना आए उतना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमारा इस वक्त यह है कि थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हुआ है ईफर्ट से FFC में, वरना आज तक हमारा फोकस हमेशा FFC की बजाय ईफर्ट में ही रहा है। तो ये था जी ईफर्ट का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तजिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।